Okay, good morning everyone. It's 7 o'clock in the morning and we are leaving for Sharishinapur. Okay, we are packing and doing all that stuff. Nadi niche gaya aur saddles laga raha apne gaadi ko. Ab main aapko batana bhul gaya tha, hum log 4 baje tak Shirdi aa chuke the. 4-5 baje tak fir ye room mein dhoondne bade the aur uske baad दर्शन आई थिंक 6:35 का एक पास मिलता है आपको कुछ इस तरीके से. इस तरीके के यहाँ पे आपको टाइमिंग वाइमिंग सब दिया हुआ रहता है, कौन से गेट नंबर पे जाना है, कैसे कैसे, फिर वो एंट्री देते हैं, फिर आपका उसको स्कैन वैन करते हैं. 2 घंटा हम लोग को लगा लाइन वाइन और वो सब में. 2 घंटे के बाद फिर हमारा दर्शन हुआ, उसके बाद हम लोग शॉपिंग वॉपिंग सब करके हैप्पी के फिर आए. नाउ लिविंग फॉर शनिशिनापुर एंड कंटिन्यू टूवर्ड्स द बाइक. Okay, so finally we are leaving from Shirdi. It's 7:15. और सही टाइम से जा रहे हैं हम लोग, जैसा प्लान किए थे कि 7 o'clock तक निकलना है. राइट साइड में जो इतना भीड़ दिख रही है, प्रसाद का है, जो कि 25 rupees में 2 लड्डू मिलता है, जो कि मेरे को भी लेना था बट प्रॉब्लम हो गया. और जो सामने दिख रहा है वाइट इसमें, वो आपका मंदिर है. Okay, शनिशिंगनापुर इज 70 kilometers. देर इज काइंड ऑफ सिग्नल, नहीं कहीं पे भी सिग्नल नहीं आ रहे. चलो जल्दी यार, ऐसे ही ट्रैफिक रहेगा तो कब पहुंचेंगे. गाइस ट्रैफिक के बाद मिलता हूँ यार. ओके, ट्रैफिक से बाहर आ गए हैं, थोड़ा रिफ्यूल करा लेते हैं, कल से किया नहीं है. अच्छा, रिफ्यूलिंग का मैं बता दूं, फुल टंकी किए थे हम लोग ने रसायनी में, तब से अभी तक रिफ्यूल किया नहीं है. पहले से 1-2 लीटर था तो इसलिए कुछ 850 का रेट हम लोगों ने सिर्फ पेट्रोल डाला था. अभी देखते कितने का लगता है. अब हम शिरडी से जा रहे हैं शनिशिंगनापुर. रोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मीन्स हाईवे टाइप नहीं है बट हाईवे है, बट यू नो तो भी देखो ये छोटे मोटे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं. अब वापस से 50-60 किलोमीटर आपको मैं क्या बोर करता रहूँ, बेटर है 1-2 किलोमीटर पहले जब मैं आ जाऊँगा शनिशिंगनापुर से बात करते हैं फिर. ओके तो गाइस, अभी हम लोग फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके, हम लोग शिरडी से निकल चुके हैं. शिरडी से स्ट्रीट आते आते वहाँ से आपको एक लेफ्ट लेना पड़ेगा जो कि शनिशिंगनापुर के लिए जाएगा. इन बिटवीन ये वाला रोड है, यहाँ पे आगे जाके अगर आप राइट लेंगे तो शिरडी, लेफ्ट लेंगे तो रांजनगांव, और यहाँ से हमारा कुछ 25 किलोमीटर्स है शनिशिंगनापुर. कहाँ पर रुके, होटल शकम भारी प्योर वेज. ओके, फाइनली लिविंग फ्रॉम सॉरी शकम्बरी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट एंड हेडिंग टूवर्ड्स शनिशिंगनापुर. आई एम नॉट वेयरिंग माई ग्लव्स यार, बहुत ठंडी लग रही है, थोड़ा धूप आने दो हाथ में. अच्छा, अभी अभी जस्ट मुझे पता चला कि शनिशिंगनापुर में जिससे पहले होता था, यू नो अब नहा वहा के फिर वो बचपन की यादें हैं, नहा वहा के फिर वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के फिर हाथ में एक यू नो
5-10-20 रुपए का वो ऑयल लेना। लेकिन अब ये सुनने में आया है कि नहाने वाने का भी ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, और जो भी है लाइन सब बाहर बाहर से हो जाता है, सिर्फ दर्शन होगा, हम उनको टच भी नहीं कर सकते हो। तो फिर चलो, फिर शायद ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, वरना मैंने कैलकुलेट ऐसे ही किया था कि नहा वहा के शायद ऐसे ऐसे जाएंगे तो 2 घंटे के ऊपर लग जाएगा हमको। तो अगर सिर्फ लाइन वाइन रहेगा तो मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर हम लोग निकल जाएंगे, नहाने वाने का नहीं रहा तो। डिपेंड करता है अभी लाइन के ऊपर कितनी बड़ी लाइन है, अगर ज़्यादा हुआ तो हम लोग बाहर से ही दर्शन ऐसा बाहर से ही निकल जाएंगे, फिर हम लोग दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो अगर थोड़ा भी लेट वेट हुआ तो हमको घर पहुँचते पहुँचते 10-11 बज जाएगा, घर वाले वैसे भी टेंशन में रहेंगे, सो बेटर है निकल जाएंगे जल्दी। पॉट होल्स, बड़े बड़े पॉट होल्स। इफ यू हैव गाइस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, मैं फिर भी मेरे एंड वाले वीडियो में जो रहेगा, या फिर यही वाला जो वीडियो मैं एंड करूँगा लास्ट में, अच्छे से घर पे बैठ के मैं कैलकुलेशन करके सब आपको लिख के बता दूंगा कि कैसे जा रहे हो तो ऐसे जाओ, और कितना खर्चा आ रहा है बाइक राइड से। मैं बाइक राइड से बताऊंगा, मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि अगर आपको जाना है शिरडी तो ट्रेन से चले जाओ तो इतना इतना किलोमीटर लगने वाला, फ्लाइट से जाओगे इतना इतना पैसा लगने वाला, ये सब नहीं बताने वाला मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप बाइक से जा रहे हो इस रूट से, जिस रूट से हम लोग गए उसमें हम लोग को कितना खर्चा आया है, और एवरेज हम लोग को कितना दे रहा है अप्रॉक्स, वो सब मैं बताऊँगा आपको। मैंने बहुतों बार नोटिस भी किया है कि अगर आप गेयर्स पहन के ऐसे से आ रहे हैं तो इन लोग को लगता है हम लोग स्टाइल मारने के लिए आते हैं, लेकिन भाई लोग अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग स्टाइल मारने के लिए नहीं आते, हम लोग अपने सेफ्टी के लिए पहनते ये सब। ये जो रोड था शिरडी से शनिशिंगनापुर वाला, फुल एकदम गांव वाला रोड था, मतलब रोड अच्छे थे, गांव वाला फीलिंग आ रहा था, खेत वेत और वो सब। यहाँ पे भी आप शायद देख सकते हो खेती वेती हो रही है, क्या है देखिए, शायद ये गन्ने का शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं है खेतों के बारे में, वो एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है गांव में हम लोग घूम रहे हैं। हम 3 जन ही हैं, हम 5 जन हैं, बट हमारे पास बाइक 3 है, अच्छा मज़ा तो आ रहा है, बट फिर भी हम लोग मिस कर रहे हैं सभी को, हमारी गनस्लिंगर्स फैमिली को, सुयोग, विनोद, मंदार, संकेत अभी भी रिकवरी में है वो, और राज, उसके अलावा ऋषि जो लोग कैंसिल हो गए एंड मोमेंट पे, शैलेश और सुब्रमणि एंड सुशांत, सब लोग साथ में आए रहते तो गाइस सीरियसली इतना मज़ा आता था। हाँ लेकिन एक बात तो है, अगर आप सब लोग आते थे तो टाइम जितना फटाफट हम लोग कर पा रहे हैं इस बार, जो हम लोगों ने प्लान सोचा था ये इतने इतने टाइम में कर लेंगे, वो नहीं होता क्योंकि लेट ज़रूर होता, इतने लोग हैं तैयारी में लेट, फिर ये सब करने में लेट, कोई पीछे रह गया, कोई देखने में यू नो लेट हो जाता। मैं और नाजी, काका चला लो कर, मैं और नाजी राइडर मेनिया जाने वाले ये साल, जो कि गोवा में है। अगर आप में से कोई आ रहा है या फिर आप में से कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है राइड के लिए। राइडर मेनिया आई थिंक 17, 18, 19 है, तो प्लान शायद हम लोग का 16 को होगा निकलने का यहाँ से। जो कुछ भी रहेगा तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, एज वेल एज यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन माय फेसबुक पेज। अरे यार देखा, बोला ना गाँव की फीलिंग आ रही है। राइड के पहले मैंने मेरा एक्सेलेटर केबल और ये जो नॉब है, ये नॉब मैंने चेंज किया है, और गाइस मेरी मानो अगर आप यू नो आपकी नॉब बहुत टाइट हो गया, आपका एक्सेलेटर बहुत टाइट हो गया है और आपको उतना पहले जैसा पिकअप नहीं मिल रहा है तो एक बार इसे चेंज करा के देखो। चाचा पान खा के फुल फॉर्म में एकदम, या शिंगनापुर 5 किलोमीटर।
ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जब आप बड़ा हैंडल यूज करते हो। ना जी नहीं निकल पाया। एक्चुअली हैंडल ऐसा लगता है बहुत वाइड है, बट इसकी जो लेंथ है और जो मेरे पुराने वाली जो ओरिजिनल अपने हैंडल्स के लेंथ आते दोनों सेम ही है। इसे मुझे क्वेश्चन आया था कि इसे कहते क्या, इसे हायर रेज हैंडल बोलते हैं। खालीदारो का अगर आप सर्च करोगे खालीदारो हायर रेज हैंडल तो यही आता है। ओके आई थिंक वी हैव रीच शनि सिंगनापुर। नाउ यू हैव टू फाइंड द पार्किंग। यार इतना बड़ा हो गया है। I still remember when I was in 3rd to 4th standard, 4th to 4th standard, तब आते थे, कुछ नहीं था यार, ये इतना जो बड़ा आप लोगों को दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं था, और आज देखो कितना बड़ा हो गया यार। तो जैसे मैं बोल रहा था इतना ये सब नहीं था यार, अब तो यहाँ पे ओह माय गॉड 45-950 तक अलग अलग शॉप्स है। बहुत बदल गया यार, तो ये मंदिर भी रेनोवेट हो रहा है सीरियसली लॉन्ग टाइम। अरे काय का झाला द गाइस आर लाफिंग ओवर हियर। मैंने इनको बोला था कि जो जो यहाँ के रहता है कि दर्शन के टाइम पे क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं, वो इनको बोलने के लिए बोला था, तब सब लोग हंस रहे हैं। यहाँ का क्या मना दे बोलो, मराठी मध्ये बोला मैं सांगतो, मैं हिंदी मध्ये यांना आता जाम गुजबन झालेले आहे। ओके आता हे याच कपडे दर्शन झाले अजून ते बॅग आणि हे सगळं कसं आहे, बॅग आणि दुकानामध्ये ठेवायचे, चांबड्याचे बेल्ट असं काढून ठेवायचं। अच्छा चालेल, पाकिट मोबाईल वगैरे घेऊन जाते। ओके ओके अच्छा, यू कॅन टेक युअर मोबाईल अँड वॉलेट्स, बाकी बॅग्स और जो जो तुम्हारे राइडिंग गियर्स आप यहाँ पे आके रख सकते हो। और कैमराज आर अलाउड, पहले जो नहाने का सिस्टम था वो अब बंद हो चुका है। बेल्ट्स आर नॉट अलाउड, आई थिंक लेदर थिंग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द मंदिर। कैमराज आर अलाउड, नाजी वो लाइन में लगा हुआ है। यहाँ पे हर जगह लिखा है शांतरा, सॉरी फोटोग्राफीज आर नॉट अलाउड, बट यस यू कैन टेक, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट डू दैट काइंड ऑफ कमेंट्स इन माय वीडियोस कि यहाँ पे लिखा है अलाउड नहीं है, बट हम लोगों ने किया ऐसा कोई बात नहीं है। तो दान पेटी यहाँ से आने के बाद आगे हमारा प्लान है, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं सीधा शिरडी, नहीं रांजन गांव की तरफ, रांजन गांव जाने वाले हैं। अभी रांजन गांव का कुछ अराउंड 111-112 किलोमीटर है यहाँ से रांजन गांव, तो जाते थोड़ा बहुत शॉप वॉपिंग करते उसके बाद सीधा रांजन गांव के लिए निकलते हैं। नसीब अच्छा था भाई हम लोग का आज। जीप कंपास